सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी पर्सन जिसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, जिससे आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसके साथ आप यू नो शादी करना चाहते हो, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन है जो आपको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, एंड द सिचुएशन इज कि वो आपको या तो इग्नोर कर रहे हैं, या तो वो आपके बारे में कन्फ्यूज्ड हैं, या तो वो आपसे बिल्कुल ही यू नो बात नहीं करना चाहते, वो आपसे यू नो नाराज हैं, या उनके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या उस पर्सन का वेट करना चाहिए या उनको यू नो भुलाकर मूव ऑन करना चाहिए। अब इसमें मैं थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताऊँ, क्योंकि बहुत वेरीज इस बात के ऊपर आती है जब आप मुझे ये एक चीज़ बताते हो ना कि सामने वाला पर्सन ने क्लियरली बोल दिया है कि उनके अंदर आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है, अब उसमें कैसे मैनिफेस्ट करें। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट उसके लिए आपको कुछ बातों को समझना जरूरी है जो मैं आज आपको बताऊँगा। देखिए, पहली चीज़, जो भी इंसान है वो जिसको आप बहुत दिल से पसंद करते हो, प्यार करते हो, फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली यू वॉन्ट देम इन योर लाइफ, कि आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए। स्टिल उस पर्सन की हैप्पीनेस, उस पर्सन को आपको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, एंड जस्ट सेट देम फ्री। उनको पहले वो स्पेस दीजिए, उनको पहले एहसास दिलाइए कि वो सफोकेटेड नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा बर्डन या प्रेशर नहीं है। अगर आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप के टर्म में हैं, या यू नो थोड़ा बहुत आपकी रिलेशनशिप अच्छी है बट आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो, तो ऑल यू कैन डू फर्स्ट इज कि आप पहले उनको थोड़ा यू नो टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। देखिए, जब तक किसी भी इंसान को वो टाइम एंड स्पेस नहीं मिलता ना, वो सोच नहीं सकता, वो और ज़्यादा इरीटेट होता है, वो और ज़्यादा भागने की कोशिश करता है उस सिचुएशन से, पर्सन से। सो डोंट डू दैट। मैंने कल ही एक कंसल्टिंग की जहाँ पे उन्होंने सेम मिस्टेक की थी कि वो उनको हमेशा एक तो अप्रोच करते थे, कम्युनिकेशन को इनिशिएट करते थे, एंड दे जस्ट आस्क द सेम क्वेश्चन, वो वही क्वेश्चन उनसे पूछते थे, वो वापस से कमिटमेंट के बारे में बोलते थे, मैरिज के बारे में पूछते। तो जो सामने वाला पर्सन था वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया कि उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया। तो यू नो आपको इस तरह से एफर्ट्स नहीं करने हैं, क्योंकि ये एफर्ट्स से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उल्टा वो पर्सन आपको बिल्कुल ही यू नो अपनी लाइफ से यू नो हटा ही देगा एकदम से। तो ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़, बहुत पर्सन लोग ऐसे भी हैं, देखिए मैं फैक्ट बता रही हूँ, कि बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर वो किसी को भी मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ के कीमती उन दिनों को, उन टाइम को वेस्ट कर देते हैं। सो डोंट डू दैट, ठीक है। देखिए, हमारा काम है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टिप्स बताएं, हम आपको गाइड करें, हेल्प करें, ठीक है, लेकिन what is right for you and what is wrong for you, वो आपको डिसाइड करना है। तो आप सोच समझ के किसी को मैनिफेस्ट करना आप करिए ट्राई, क्योंकि देखिए टेक्निक हर कोई बता देगा कि ये टेक्निक करिए, रेड तारा मंत्र कर लो, ये कर लो, वो पर्सन आ जाएगा, लेकिन वो राइट पर्सन है कि नहीं आपके लिए, आप क्या कर रहे हो, आपका इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो। नहीं होता क्या कभी ऐसा कि एक अच्छा पर्सन है वो एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करता है कि वो उसको डिजर्व नहीं करता, मतलब कि उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, मतलब कि अब एक पर्सन बहुत अच्छा है, दूसरा पर्सन उसको चीट कर रहा है या कुछ भी, अब इस पर्सन के आंखों में वो पट्टी बांधी हुई है प्यार, इसलिए उसको वो रियलिटी नहीं दिख रहा, उनके माइंड में एक ही चीज़ है, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट देम। तो इससे आप किसका नुकसान कर रहे हो, खुद का नुकसान कर रहे हो, सो डोंट डू दैट। तो सही गलत का आपको डिसीजन लेना है, उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई रेमेडी, कोई रिचुअल आप करें, लेकिन दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि आप सच में एक पर्सन को जानते हो जो सच में बहुत जेन्युइन पर्सन है, बहुत अच्छा है, आपके लिए सही है, ठीक है, लेकिन जस्ट वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, देन आपको क्या करना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वो पर्सन अच्छा ही है, आपसे यू नो अच्छे से वो बात करते हैं, अच्छे घर के हैं, सब तरीके से वो अच्छे हैं, देन अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या किसी भी तरह से आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि उनको एकदम से मतलब छोड़ दीजिए, उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए, उनको यू नो इनडायरेक्टली मैसेज देना, स्टेटस लगाना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर स्टेटस लगाना, किसी के थ्रू उनको कुछ बोलना, ये सब मत करिए।
जस्ट लेट सेट देम फ्री, लेट देम गो. सेकेंड थिंग, आपको खुद के ऊपर काम करना है एंड आपको विजुअलाइज करना है. जब आप विजुअलाइज करेंगे, जब आप उस चीज को फील करेंगे, देन आप एक अलग वाइब्रेशंस रिलीज करेंगे. अगर आप किसी पर्सन को बार बार अप्रोच कर रहे हो, दैट मीन्स वो क्या शो कर रहा है कि वो पर्सन इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, राइट? तो डोंट डू दैट. आपको ऐसा फील करना है, एक्ट एज इफ कि वो पर्सन आपकी लाइफ में है. एंड अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो क्या आप उनको बार बार मिस करेंगे? क्या आप उनको बार बार अप्रोच करेंगे? नो. सो डोंट यू नो फील दैट. आपको सिर्फ और सिर्फ एक्ट एज इफ करना है. अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ. मान लीजिए कि आपको उनसे मैरिज की कमिटमेंट चाहिए एंड आप इस वक्त फ्रेंड्स हैं. अब वो इंसान मे बी वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं. तो जब तक आप उनके लाइफ में एज अ फ्रेंड उनकी लाइफ में आप एग्जिस्ट करेंगे, तब तक उनको आपका वो लैक फील नहीं होगा. सो जस्ट लेट देम मिस यू, लेट देम रिकग्नाइज योर एब्सेंस. तो उनकी लाइफ में आप थोड़ा यू नो एक डिस्टेंस बनाइए खुद का, मतलब कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत रहिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा ना, जब आप उनकी लाइफ में जैसे हमेशा तैयार थे, हमेशा उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, तो अगर आप थोड़ा उस चीज़ को कम करेंगे, गैप रखेंगे, थोड़ा कम बातचीत कम्युनिकेशन करेंगे, थोड़ा सब कुछ यू नो जस्ट एक डिस्टेंस रखेंगे, तो कहीं ना कहीं दे विल फील दैट एब्सेंस. इफ दे रियली फील फॉर यू, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ यू नो फील होगी. ओके, सो आप किसी के ऊपर 24 घंटे मत चढ़िए. ओके, मैं यही कहूँगी, आप उनको बिल्कुल ही मतलब ऐसे छोड़ दीजिए. जस्ट उनको शो करिए कि आपने आपको अब कुछ ऐसा नहीं है उनके लिए. आपको दिल में जो भी है वो आप रखिए, लेकिन डोंट शो देम. इफ़ दे डोंट वैल्यू दैट, इफ़ उनको उनकी कदर नहीं है, अगर उनको वो पता नहीं है, अगर पता होने के बाद भी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे, देन डोंट शो दैट अगेन. बार बार अपनी फीलिंग्स को जता के आप अपने फीलिंग्स को हर्ट मत करवाइए. ओके, इससे कुछ नहीं मिलने वाला. तो आपको उल्टा खुद को प्यार करना स्टार्ट करना है, खुद के ऊपर काम करना है, कुछ अचीव करो यार लाइफ में, कुछ अचीवमेंट करो, कुछ अच्छा करो कि यू नो खुद लोग आपसे अट्रैक्ट हो. तो अपने वर्जन को बेटर बनाओ, वही चीज़ के ऊपर काम करो, ठीक है? एंड ये एक प्रैक्टिकल चीज़, साइकोलॉजिकल चीज़ ही मैं बता रही हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ. तो आप देखना आपको कौन सी चीज़ ये रिलेट करती है, बिकॉज ये चीज़ बहुत लोगों को यू नो बेनिफिट मिला है इस चीज़ का. तो आप इस तरह से थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा टॉकिंग टाइम्स कम कर दीजिए. अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो अब आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, बस मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, अपने आप में बिजी रहिए, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करिए बस. लेकिन वो एक प्रेशर, वो सैडनेस, वो सब कुछ फील मत करिए. ओके, इससे कुछ नहीं होगा, और ज़्यादा आपके अंदर वो नेगेटिविटी बढ़ेगी. ओके, तो फिलहाल इतना आप समझिए. आई थिंक आई शुड मेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, बिकॉज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वरना. तो इतना आपको पहले तो ख्याल रखना है. आराम से ध्यान से इस वीडियो को आप समझिए, देखिए, और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, स्पेशली इन रिलेशनशिप. बिकॉज रिलेशनशिप एक ऐसा एरिया है ना हमारी लाइफ का, कि अगर ये एरिया सही नहीं है ना तो हमारा सारे एरियाज़ के ऊपर इसकी अफेक्ट होता है, क्योंकि हम इससे इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज है, प्लीज़ आप कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइए. इस वीडियो में भी आपको कौन सी एक्सप्लेनेशन पे आपको ऐसे लगा कि आपको और ज़्यादा काम करना चाहिए, मैं उसके ऊपर भी आपको यू नो गाइडेंस दूंगी, ठीक है? तो फिलहाल यही था इस वीडियो में, एंड आप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा. सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब टू ऑल.